नमस्कार मित्रगणों, उत्तर प्रदेश में रहने वाली महिलाओं और बच्चियों को अपने जाल में नाम बदलकर फंसाने वाले उत्पीड़न कर धर्म परिवर्तन यानी लव जिहाद के दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अवैध धर्मांतरण की गंभीर घटनाओं के रोकथाम के लिए सरकार ने कानून और बिल को संशोधित करते हुए नई अवधि यानी सजा बढ़ाई है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल मंगलवार को पास हुआ। लव जिहाद रोकथाम का बिल पास होने के बाद ऐसे धोखेबाज, ऐसे जिहाद के जाल में फंसाकर महिलाओं का शोषण करने वालों या फिर धोखे से बलपूर्वक मंत्रण यानी धर्मांतरण के मामले में कानून की सख्ती उनके सामने आएगी। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा भुगतना होगा। ये सजा उम्र कैद तक है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। इस बिल के तहत अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करने की नियत से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए धमकाता है, हमला करता है, विवाह या विवाह करने का वादा करता है अथवा षड्यंत्र रचता है, नाबालिग महिला या किसी व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसके अपराध को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा और ऐसे में आरोपियों को कम से कम 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। न्यायालय पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए राशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी। गंभीर धाराओं की भांति अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में भी FIR दर्ज करा सकता है। इससे पहले धर्मांतरण में पीड़ित व्यक्ति इसके स्वजन अथवा करीबी रिश्तेदार की FIR दर्ज करा पाते थे। यानी कि अब आपके आसपास अगर ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़े तो आप भी करा सकते हैं। सरकार को पुराने कानून को बहुत अधिक असर ना दिखने के कारण बदलना पड़ा। इसी वजह से वो इसमें संशोधन कर रही है। इस संशोधन के बाद पहले लव जिहाद का आरोप सही पाए जाने वाले पर 10 साल की सजा का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर उम्र कैद में बदल दिया गया है। संशोधन के बाद सिर्फ शादी के लिए धर्म बदलने को अवैध माना जाएगा। संशोधन के बाद यह व्यवस्था होगी कि धर्मांतरण के मामलों में अब कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज करा सकेगा। पहले कानून में FIR दर्ज कराने का अधिकार केवल पीड़ित के ब्लड रिलेटिव, उसके माता पिता, भाई बहन के पास था। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण की सूचना लिखित तौर पर पुलिस को दे सकता है। संशोधन के बाद इन मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे नहीं होगी। लोक अभियोजन को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। अब इस कानून के सभी अपराध गैर जमानती बना दिए गए हैं। यानी कि लव जिहाद या अवैध रूप से धर्मांतरण का उत्पीड़न करने वाले को सलाखों के पीछे जाना ही होगा, यानी जल्दी उन्हें अब राहत नहीं मिलेगी। सरकार का कहना है कि गुमराह कर शादी करने और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हीं मामलों पर राज्य सरकार अंकुश लगाने के लिए प्रावधान कर रही है। बदलाव के लिए इस विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर अंकुश लगाने के सख्त प्रावधान किए गए हैं। बता दें, अवैध धर्म परिवर्तन और आतंकवाद के लिए फंडिंग की कई आरोप और चीजें जांच के दायरे में भी आती रही हैं। रायबरेली के सलोन में तो बांग्लादेशी और रोहिंग्यो को जन्म प्रमाण पत्र के साथ बसाने वाला भी मामला आया है। 2021 में बने कानून में 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान था। 1,00,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान था, जिसे संशोधन के जरिए पिछले विधेयक को सजा और जुर्माने की दृष्टि से और मजबूत किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी नाबालिग, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, SC ST का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इसी तरह सामूहिक रूप से जबरन धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान होगा। विदेशी या गैर कानूनी संस्थानों से फंडिंग हासिल करने पर 14 वर्ष तक की सजा और 10,00,000 जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई धर्म परिवर्तन के किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, डराता है, धमकाता है, हमला कर बल प्रयोग करता है, शादी करने का झूठा वादा करता है, प्रलोभन देकर किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसे न्यूनतम 20 साल की सजा होगी।
इसे तह उम्र यानी उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकेगा। पीड़ित के इलाज और पुनर्वास के लिए जुर्माना भी देना होगा। लव जिहाद और ऐसे गैर कानूनी चीजों पर यूपी सरकार सख्त है। ऐसा नहीं है यूपी में है, यह हरियाणा समेत देश के 10 राज्यों में है। इसको लेकर कई प्रावधान है। सबसे पहला कानून 1967 में उड़ीसा में बनाया गया था और अब लगातार ऐसे चीजों पर सरकार का गौर जा रहा है। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले, लोगों का शोषण करने वाले, उनकी संस्कृति पर हमला करने वाले और जबरन महिलाओं को, बच्चियों को बहला फुसला कर अपने जाल में फंसा कर उनका धर्म परिवर्तन शोषण करने वालों की सामत आने वाली है। इस रिपोर्ट में आपको जो भी लगा और सरकार के इस कानून पर अपनी राय प्रकट करें। विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहेंगी। जय हिंद।